लोड शेडिंग एक ऐसी समस्या है जिसने सबके नाक में दम करके रख दिया है। देखो है, लेकिन प्रॉब्लम असल में लोड शेडिंग नहीं है। लाइट तो आते जाते रहेगी, खराब होंगे हमारे घर के अप्लायंसेस, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, गीजर, मिक्सर, ग्राइंडर, लग गया चूना। अब मिलिए इनसे, ये है ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक का वोल्टेज प्रोटेक्टर। यकीन मानो आपको कुछ नहीं करना है, मैं जो बताता हूँ बस उन स्टेप्स को फॉलो करो, आपके अप्लायंसेस भी बच जाएंगे और आपके पैसे भी बच जाएंगे। 3-पिन प्लग में आता है, स्विच बोर्ड में इजीली प्लग करना है, 230 वोल्ट एसी पर ये चलेगा। आउटपुट सॉकेट में कोई भी इंडियन या इंटरनेशनल प्लग आप लगा सकते हो। आउटपुट रेटिंग है 16 एम्प्स। टीवी, एसी, गीजर, माइक्रोवेव ओवन, सिंपली इसमें प्लग कर देना है और स्विच को ऑन कर देना है। इसमें तीन चीजें हैं। पहला है लो वोल्टेज, मतलब अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अंडर वोल्टेज रेंज है 165 वोल्ट प्लस माइनस 5 वोल्ट्स। दैट मींस कि वोल्टेज अगर 165 वोल्ट से नीचे गिर जाता है तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा। दूसरा है हाई वोल्टेज या ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब ओवर वोल्टेज की जो वैल्यू इसके अंदर सेट है, दैट इज 265 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि 265 वोल्ट से ऊपर अगर आपके घर का वोल्टेज चला जाता है तो इसके ऊपर कनेक्टेड आउटपुट डिवाइस ये स्विच ऑफ कर देगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है रिकवरी टाइम, जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है 30 सेकंड्स का। मानो कि आपका वोल्टेज ओवर हो जाता है, 265 वोल्ट से ज्यादा चला जाता है, तो ये आउटपुट को ऑफ कर देगा। अब वोल्टेज अगर 265 वोल्ट से नीचे गिर जाता है और नॉर्मल वोल्टेज पर आ जाता है तो क्या ये तुरंत अपने आउटपुट डिवाइस को ऑन करेगा? बिल्कुल नहीं, ये उस रिकवरी डिले टाइम का वेट करेगा, विच इज 30 सेकंड्स। क्योंकि अगर आपका वोल्टेज 265 से नीचे आ गया, नॉर्मल हो गया, और 10 सेकंड के बाद अगेन 265 के ऊपर चला गया, तो क्या आउटपुट डिवाइस इसे ऑन ऑफ करेगा? फिर इसका यूज ही क्या है भाई? दैट इज व्हाई रिकवरी डिले टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे जो स्विच आपको येलो कलर का दिख रहा है उसको प्रेस करके आप रिकवरी डिले टाइम को बाईपास कर सकते हो। BTSVP02 एक लाइट वेट और कटिंग एज वोल्टेज प्रोटेक्टर जो आपकी अप्लायंसेस की स्मूथ और सेफ्टी के साथ फंक्शनिंग शुरू रखने में हेल्प करता है। इसलिए आपको कहा था कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक का ये वोल्टेज प्रोटेक्टर सारा काम खुद ही कर लेगा।